नमस्कार, मैं हूँ प्रियदर्शनी सिंह। मैं एक इंडिपेंडेंट पत्रकार हूँ। देश में जब भी हम अखबार खोलते हैं या न्यूज़ सुनते हैं तो रेप की घटना इस तरीके से हो गई है जैसे कि हम अपने घर में सुबह की चाय बनाते हैं। और जब भी आप अखबार खोलते हैं सुबह का, तो कम से कम 4 से 5 खबरें आपको बलात्कार की, रेप की मिलती ही मिलती हैं। लेकिन जो इस घटना के बारे में मैं आपको बताने वाली हूँ, आपका दिल दहल जाएगा। आपकी आत्मा, आपकी रूह, अगर आपके अंदर इंसानियत है तो कहरा जाएगी। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक अहमद नाम के व्यक्ति, जो कि सब्जी बेचता था अंधेरी में। उसने 40 कुत्तों के साथ, जी हाँ, 40 कुत्तों के साथ, डॉग्स के साथ बलात्कार किया है। सुन के हैरानी हो रही है ना, कितना दर्दनाक होगा। बिकॉज वो बेचारे मासूम कुत्ते बोल भी नहीं सकते हैं। शेरू नाम के कुत्ते कुत्ता जो कि अंधेरी स्टेशन के बाहर रहता था, उससे जब सीसीटीवी फुटेज देखी गई तो वहाँ पे 3 से 4 बजे की फुटेज में ये दिखा, ये आदमी अहमद नाम का, जिसने की जो कि इस कुत्ते के साथ रेप कर रहा था। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि कितना दर्दनाक होगा इस कुत्ते के लिए इस तरीके से बर्दाश्त करना। और वो किसी को बता भी नहीं सकता है, किसी को बोल भी नहीं सकता, क्योंकि ये बेजुबान होते हैं। ये एक घटिया मानसिकता का द्योतक बताता है। ये सिक आदमी कर सकता है, एक साइकोपैथ कर सकता है। उसके बाद जब इंटीग्रेशन हुई, जब इस आदमी को अरेस्ट कर लिया गया, तब पता लगा कि ये सब्जी बेचने का काम करता है। और जब मंडी में उठने से पहले, जब ये अपनी सब्जियां लाने जाता है, तो उससे पहले जब आसपास जो वहाँ उस अंधेरी ईस्ट के जितने भी कुत्ते थे उन सबका इसने रेप किया है। लगभग इसने 40 से ज़्यादा कुत्तों का रेप कर चुका है, बलात्कार कर चुका है। आप सोचिए कितना घिनौना और घटिया अपराध किया है इस आदमी ने। और बेल भी हो जाएगी, क्योंकि क्रुएलिटी टुवर्ड्स एनिमल सेक्शन 11 के तहत ये एक बेलेबल ऑफेंस है। क्योंकि कभी किसी ने ये सोचा भी नहीं था कि जानवरों के साथ भी इस किस्म की दर्दनाक बलात्कार जैसी घटना एक आदमी कर सकता है, जो कि जानवरों से भी बदतर है। बड़ा ही दुख हुआ ये घटना सुन के। आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर कि आपको ये घटना सुन के कैसा लगा। और हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।